Hey everyone, this is Anuj back again from Shimla. Welcome to our channel. In this video, I'm gonna be teaching you Aarti pattern. This is the most requested pattern. So many people requested me for this. I'll explain in two ways. One is the easiest way, especially for ladies, because so many ladies also wanted me to explain this, to play in kirtans and all, the most easiest way. Secondly, the professional way, which I've just played. So I'll explain both so that everyone would able to play with Aartis and all. I'll use Hindi and English both simultaneously so that everyone can understand. So let's start without wasting any time. Let me start with the easy pattern for ladies. Let me demonstrate it and after that I'll explain. Easy. I'll explain in two ways, counting wise and secondly bowl wise as well. सबसे पहले bowl wise देखते हैं. काफी simple pattern, काफी easy pattern है ये. देखिए अगर हम मैं इसे slowly बजाऊं तो देख पाएंगे आपकी काफी easy pattern है. और इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आप ये किसी भी भजन के साथ ये वाला पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत यूजफुल पैटर्न है ये. अगर हम इसके बोल देखें तो इसके बोल हैं दे ती ता ता ती धाता, राइट. गेती ताता ती धाता. पहले इसे बोल वाइज देखते हैं कैसे बजाएंगे. स्टार्ट होगा इस बेस साइड से जो कि मेरा राइट हैंड है, बट यूजुअली जो लोग राइटी हैं उनका लेफ्ट हैंड होगा, राइट. तो आपने यहां से ओपन बजाना है इस तरह से. देखिए ये जो बैक ऑफ द नकल है जहां से फिंगर स्टार्ट होती है इसको आपने हिट करना है, पाम को हिट नहीं करना है. अगर हम पाम को हिट करेंगे तो आवाज नहीं आएगी, इसलिए हमें ये वाला पोर्शन हिट करना है तो हमें ऐसी ओपन डीप बेस साउंड आएगी. स्टार्ट यहां से करेंगे गे ती. देखिए मैं नीचे वाली फिंगर्स लोअर मिडल फिंगर्स यूज कर रहा हूं ती प्ले करने के लिए. ये भी मैंने फिंगर्स से प्ले करना है, ज्यादातर फिंगर टिप्स का यूज करना चाहिए. गे ती ता ता, ये ताता प्ले करने के लिए मैं इंडेक्स फिंगर यूज कर रहा हूं. गे ती ता ता, गे ती ता ता, ये फर्स्ट हाफ है सिर्फ. गे ती ता ता. सेकेंड हाफ अगर हम देखें तो ती, नो यूज ऑफ बेस, ती धाता. तो जरा सेकेंड हाफ देख लेते हैं. ती प्ले करेंगे लोअर मिडल फिंगर से, यहां से ती, और धाता जो लास्ट है उसमें इंडेक्स फिंगर यहां यूज करेंगे बट बेस भी साथ में प्ले करेंगे. और उसके बाद ता, सिर्फ इंडेक्स फिंगर यहां मदीन साइड में. धाता इस तरह से धाता. तो पूरी कॉम्पोजिशन देख लेते हैं जरा. ती ता ता ती धाता, गे ती ता ता ती धाता. आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं. गे ती ता ता ती धाता, गे ती ता ता ती धाता, गे ती ता ता ती धाता. ऐसे ही हम इसे थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं. गे ती ता ता ती धाता, गे ती ता ता ती धाता, गे ती ता ता ती धाता, गे ती ता ता ती धाता. राइट. अब इसे काउंटिंग वाइज देखते हैं. अगर हमने इसे काउंटिंग वाइज प्ले करना है तो किस तरह से होगा. स्लोली देखते हैं वन और यहां ती. वन पे ये दोनों आएंगे. गे ती इट्स वन, गे ती. तो वन टू
टू में इंडेक्स फिंगर के दो बार बजाएंगे, राइट। थ्री नीचे से बजाएंगे लोअर मिडल फिंगर से, थ्री एंड फोर, फोर में ये दोनों साथ में और बाद में लास्ट में इंडेक्स फिंगर, ये फोर में, थ्री। इस तरह से आप इसे आरती में बजा सकते हैं, और एडवांटेज ये कि किसी भी भजन के साथ इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा बैठेगा, बहुत अच्छा बजा सकते हैं आप किसी भी भजन के साथ, तो ये इसके एडवांटेज है। चलिए इसकी एडवांस फॉर्म देखते हैं, जो कि प्रोफेशनली अगर आपने आरती के साथ अगर ढोलक बजानी है तो वो किस तरह से बजाएंगे आप। यस, अगर आप बिगिनर हैं और अगर आप फीमेल ढोलक प्लेयर हैं, स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं इसे। देखिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है, यही टेक्निक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी बजा सकते हैं इस चीज को। मैं थोड़ा डेमोंस्ट्रेट करता हूं। इसको बोलते हैं भजन ताल, एंड इसके बोल हैं धिधिना धिन धिनाना ताकिटा धिन धिनाना, राइट। तो काफी इजी है, धिधिना धिन धिनाना ताकिटा धिन धिनाना, धिधिना धिन धिनाना ताकिटा धिन धिनाना। इसमें जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है वो है बेस। अगर हमने बेस प्रॉपरली प्ले कर लिया तो हम इस पैटर्न को बहुत इजीली प्ले कर सकते हैं। देखते हैं धिधिना, इसके लिए हमें बेस का बहुत अच्छा यूज करना पड़ेगा। यहां से हम मदीन साइड में इंडेक्स फिंगर बजाएंगे, धीना, राइट। बेस देखिए मैं किस तरह से बजा रहा हूं, दोनों बार हम स्लाइड करेंगे, अगेन बेस देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट। धीना धीन धीना ना, राइट। सो धीना ना मैंने इंडेक्स फिंगर से बजाया है, धी धी ना, दोनों टाइम इंडेक्स फिंगर यूज किए, धी धी ना, धिन धी ना ना, ऑल टाइम या मदीन साइड में इंडेक्स फिंगर बजेगी। बस ये जो धी धी है स्टार्टिंग का, इसमें थोड़ा अंदर बजेगी, धी धी ना, ना एच पे बजेगी, धी धी ना, धिन धी ना ना। तो ये जो धिन धी बजाए ये भी थोड़ा अंदर बजेगा और ना ना एच पे बजेगा। बेस देखिए, धीना धिन धी ना ना, धीना धिन धीना ना, ताकिटा धिन धीना ना। अब ये ताकिटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ता ती ता, ता। दोबारा देखिए, ता इंडेक्स फिंगर से बजाया, ती बेस में स्लैप बजाई, ता लोअर मिडल फिंगर यूज की, एंड लास्ट में ता इंडेक्स फिंगर, तो ये बना ताकिटा, ता ती ता, ता। अगेन ता ती ता, राइट। तो हमने अभी तक किया धीना धिन धीना ना ता ती ता, आफ्टर दैट धिन धी ना ना। तो देखिए धिन धी अगेन वैसे ही बजेगा, बेस में स्लाइड करेंगे और यहां इंडेक्स फिंगर यूज करेंगे थोड़े अंदर पोर्शन में, धिन धी एंड लास्ट बोल ना ना, इंडेक्स फिंगर एज पे। तो ये पूरी कॉम्पोजिशन बनी है, इसे हम स्लोली प्ले करके देखते हैं। धीना धिन धीना ना ताकिटा धिन धीना ना, धीना धिन धीना ना, धीना धिन धीना ना ताकिटा धिन धीना ना, धीना धिन धीना ना ताकिटा धिन धीना ना। I guess it's clear now. So we have covered this aarti pattern, which is very important. You can apply this pattern with any bhajan or any song as well. If you'll face any problem related to this topic, then please let me know. I'll definitely try to help. Till then, don't forget to like this video and don't forget to subscribe to our channel.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।